खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस ने सिद्धू के खिलाफ एक के बाद एक नेता जो है कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जयदेव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। सिद्धू के खिलाफ जहां अमरिंदर सिंह नजर आ रहे थे, तो वहीं अब तमाम नेताओं ने भी सिद्धू के खिलाफ अपना जो है पक्ष रखा है। दरअसल इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी का एक बेहद अहम रोल सामने आ रहा है। राहुल गांधी द्वारा वीडियो और साथ ही तमाम तरह के सबूत मांगे गए हैं, तो वहीं सिद्धू को लेकर पार्टी क्या बड़ा फैसला करने वाली है, इस पर सभी की निगाहें जहां टिकी हुई हैं। तो वहीं इसी बीच हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिरकार कांग्रेस के बीच इन दिनों क्या चल रहा है सिद्धू को लेकर, और साथ ही सिद्धू किस बात से नाराज होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आए। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लगातार ही बवाल जारी है, और इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी के ऑफिस और कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के नेताओं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दिए गए बयानों की वीडियो क्लिप और पूरी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी पंजाब कांग्रेस के नेता खुलकर तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की ओर से दिए गए बयानों की रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान की ओर से मांगी गई है। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन लाल सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की तरफ से दी जाएगी और वो फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस के विधायक भी खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू की खिलाफत करने में लगे हुए हैं, और तो और पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से कांग्रेस को बेहद ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने उन तमाम नेताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया जो कि पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए फील्ड में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू का कोई समस्या थी भी, तो उन्हें बंद कमरे में कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि यूं पब्लिकली मीडिया और सार्वजनिक मंच से स्टेटमेंट देकर पार्टी का नुकसान करना चाहिए था। वहीं आप सभी को हम ये भी बताते चलें कि अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी विवाद पर चुटकी लेते हुए राणा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल और पार्टी आलाकमान की शह पर ही सिद्धू इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि कैप्टन अमरिंदर को उनके पद से हटाया जा सके। अगर कांग्रेस पार्टी सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसे में साफ है कि कांग्रेस आलाकमान की शह पर नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी कैप्टन को टारगेट करने में लगे हुए हैं। सिद्धू अपनी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के लिए चंडीगढ़ लोकसभा टिकट चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने वहां से पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को टिकट दे दिया। और तो और इसके बाद डॉक्टर नवजोत ने आरोप लगाया था कि अमरिंदर और आशा की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। इस पर सिद्धू ने कहा था कि मेरी पत्नी सच बोलने का दम रखती है और कभी झूठ नहीं बोलती है। और तो और सिद्धू की नाराजगी की वजह एक और है, उन्हें देश भर में कांग्रेस के प्रचार के लिए मौका दिया गया लेकिन पंजाब से दूर रहे। हालांकि पहले खबर ये भी आई थी कि उनके गले में खराबी है, लेकिन बाद में साफ हो गया। इस पर अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू के साथ कोई जुबानी जंग नहीं है, वो महत्वाकांक्षी हैं, ये ठीक है, लोगों की बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं सिद्धू को बचपन से जानता हूँ, मेरा उनके साथ कोई मतभेद भेद भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुझे हटाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। खैर, अब देखते हैं आखिरकार क्या फैसला पार्टी मिलकर लेती है नवजोत सिंह सिद्धू पर। देखते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं और
बड़ी खबर ये थी कि सिद्धू अपनी पत्नी के टिकट ना मिलने पर काफी ज्यादा नाराज हुए थे और अपनी पत्नी के समर्थन में वो कांग्रेस के नेताओं के ही खिलाफ होते हुए नजर आए थे। अब इस पर क्या निर्णय रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज के साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।